नेमिंग ऑफ नाइट्रो एल्केन, कल बताया था मैंने नाइट्रो एल्केन के बारे में कुछ। देखो नाइट्रो एल्केन में सुनना ध्यान से, जो आपके टाइप 2.2 कराया था बेटा मैंने, टाइप 2.2 या फिर 2.1 जो आपने लिखा था, ठीक है, हाँ जो भी आपने लिखा वो समझ रहे हो ना बात। उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो आपके नाइट्रो ग्रुप होते हैं, एक कौन सा होता है बेटा हैलोजन ग्रुप, एक कौन सा ग्रुप होगा आपका नाइट्रो ग्रुप, एक कौन सा होगा हैलोजन ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2, और ये हैलोजन को एक्स से डेनोट करते हैं। हैलोजन को किससे हम डेनोट करते बेटा, एक्स से, मतलब उसको दिखाने का तरीका हमारा क्या है बेटा, एक्स से। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये दोनों बोथ आर बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, दोनों के दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट में इधर देखो OH, अब मैं जो पूछ रहा हूं मुझे बताना OH किसकी तरह बिहेव करेगा चेन में, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप। SH फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। CL, CL हैलोजन है, CL आपका क्या है हैलोजन है तो सब्स्टिट्यूएंट। फ्लोरीन पक्का, NO2 अब समझ में आ गया तुम लोगों को, मतलब यही दोनों एक अलग टाइप है। जिसको मैंने अलग टाइप में क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते। तो अब हम RFPD लगाएंगे तो क्या लगाएंगे इस पर, RFPD अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट, ना कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, हो जाएगा आप समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर टाइप 2.2 में आपके दो ग्रुप आते थे, NO2 आता है, एक आपका हैलोजन आता है। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे उसको समझना बड़े प्यार से, ठीक है। देखो अगर मेरे पास R के साथ एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, R मैंने मान लिया क्या है एल्केन है, ठीक है, क्या मान लिया एल्केन है, R मैंने क्या मान लिया एल्केन। अगर एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितना नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप अगर एक होगा तो हम क्या बोलेंगे नाम, एक्स नाइट्रो एल्केन, एक्स नाइट्रो एल्केन। सब्स्टिट्यूएंट के आगे क्या लिखते हैं, लोकेंड नंबर, सब्स्टिट्यूएंट के आगे क्या लिखते हैं, उसका पोजीशन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, नाइट्रो एल्केन। अब एल्केन क्यों लिखा, एल्किन लिख सकते हैं क्या, एल्किन लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं ना एल्किन भी, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हुआ तो पहले इन देन आई, बात क्लियर। सेकंड अगर दो हुए तो हाँ बिल्कुल सही, डाइनाइट्रो, ठीक है। थर्ड का अगर मैं बोलूं तो बोलो X, Y, Z ट्राई, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करें हम, चले देख लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल CH3NO2, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोमेथेन, वन ही है ना तो क्या लिखेंगे, वन नाइट्रोमेथेन, तो नाइट्रोमेथेन ही लिख दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा इसका नाम, बात क्लियर है। किस किस को समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया पक्का, श्योर। अगला एग्जाम्पल मैं अगर दूसरा मैं बोलूं, दूसरा एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, CH3CH2NO2, जल्दी बताओ क्या होगा नाम, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे ना, क्या करेंगे सबसे पहले नंबरिंग, तो यहां पर वन और यहां पर बोलो साहब टू, बात क्लियर है, नाम क्या हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, वन नाइट्रो इथेन। ये चीजें क्लियर हुई आपको, क्लियर हुई पक्का। अगला एग्जाम्पल अगर मैंने CH3CH CH NO2 और यहां पर मैंने CH3, ठीक है, आप इसमें बताओ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा,
बेटा मरता भी। चलो ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पक्का श्योर बताओ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? जहां से मेरा सब्स्टिट्यूएंट पास आए तो कहां से सेलेक्ट करना सही रहेगा? यहां से ना, यहां से, यहां से, तो यहां से, तो 1 2 3 बोलो ना, 2 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब समझ में आ गया तुमको क्या चल रहा है? ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अब दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम RFPD लगाते हैं। देखना ये वाला समझ में आ गया था ना, नेमिंग समझ में आ गई होगी। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, पहले ये बताओ दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में RFPD लगाओ ना। इधर से जाएंगे तो RFPD क्या आएगा, 1 एंड 2 पर, और यहां से जाएंगे तो 2 एंड 3 पर। विच वन इज करेक्ट? 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, अब समझ में आ गया, 2 मिथाइल 1 नाइट्रो जल्दी बोलो प्रोपेन। बात समझ में आ गया, बात समझ में आई है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखो। बताओ अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करो बेटा साहब, जल्दी से बताओ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करो फटाफट। अरे बेटा फटाफट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 और ये 7। यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? अब कैसे करेंगे ये बताओ, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है? ये भी है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। आपने सबसे पहले क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। क्या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड है? क्या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। पक्का डन, बात समझ में आया? अब RFPD लगाओ। क्या लगाओ? RFPD, एक यहां से और एक यहां से। यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा बोलो? 2 3 2 3 4 5। और अगर RFPD मैंने अगर यहां से लगाया होता तो 2 3 4 5 फेल। नाउ अब क्या लगाएंगे? ये कौन सा है, ये कौन सा है? वहां से 1 2 हाँ 3 आएगा ना, तो गलत कर दिया। 3 4 5 6 मतलब RFPD फेल नहीं हुआ। अब क्या होगा, सही वाला, ये वाला सही है। नाम बोलो, नाम बोलो। ये नाइट्रो है, ये क्या है? इथाइल। इथाइल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? ET। और मिथाइल को? पक्का समझ में आया? बोलो नाम क्या होगा? 3 इथाइल 4.5 डाइमिथाइल 2 नाइट्रो हेप्टेन। समझ में आ गया तुम लोगों को? क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ सबसे पहला काम क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सबके सब फटाफट स्पीड से। अब तो तुमको आना चाहिए ना बेटा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ व्हाट विल बी द नेम? ये यहां से यहां जाएंगे और एक में हम यहां से यहां जाएंगे। बात क्लियर है? इसके अंदर आ रहा है? हाँ आ जाएगा। चलो नहीं आ रहा है बेटा, रुको 2 मिनट। याद है मुझे मॉलिक्यूल?
आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नंबरिंग करेंगे, बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। आप जल्दी बताओ कैसे करोगे, नाम बोलो, नाम से सब बोलो, 4, 4, 6। यहां से यहां लगाएंगे RFPD या यहां से यहां लगाएंगे बच्चों, बोलो जल्दी बताओ, यहां से यहां लगाएंगे ना, क्यों क्यों लगाएंगे बोलो, सब्स्टिट्यूएंट, यहां से पास पड़ रहा है, नंबरिंग बोलो, RFPD का नंबरिंग बोलो फटाफट, 2 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 6, बात समझ में आया। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 3 मानस बोल 5, मुझे बोलना पड़ेगा क्या तेरा नाम, बोलना 5, 4, 7, बात समझ में आया। अब बताओ नाम क्या होगा, मुझे जल्दी बोलो, आप 2, 6, वेरी गुड, 4, 6, सही बोल रहा है ना बेटा, डाई मिथाइल 2 नाइट्रो ऑक्टेन, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ बात, फंडामेंटल क्लियर हुआ कि किस तरीके से नेमिंग करनी होती है, श्योर पक्का, इसको नोट डाउन करो। ये बात समझ में आया तुम लोगों को, पक्का सोच लो, समझ लो, पक्का समझ में आ गया, पक्का। एक और एग्जांपल कराऊंगा मैं आगे, फिर ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट यहां तक, काफी इजी है, काफी सिंपल है। लिख लिया, चलो फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, एक दो एग्जांपल और करते हैं, डबल बॉन्ड और इन्हें ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो आपको सारे केसेस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला करेंगे तो आपको सारे केसेस समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है और भी, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत दिनों से ये वाला एग्जाम्पल देना मैंने छोड़ दिया है, ठीक है बेटा, बहुत दिनों से ये वाला एग्जाम्पल मैंने देना छोड़ दिया है, तो देना तो पड़ेगा ना, क्यों, तुम्हारी आदत चली जाएगी, आदत चली जाएगी तो मार्क्स कम आ जाएंगे, कितने हैं मानस मैं बताऊं नहीं, इसको इसको हटा के बताता हूँ, चुपचाप माइनस गया ना,
कोई बात नहीं ना, पहला तो कोई दिक्कत नहीं, तो तूने तो सीधा बोला बोला था ना, मैंने 4 महीने पढ़ाई नहीं है, आराम किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बैठ आराम से, अच्छा करेंगे। देखो देखो देखो, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है ना, वो अपना फ्रेश फ्रेशली ना स्टार्टअप लो, जो जो अभी से पढ़ाया जा रहा है ना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि हमको मजा आ जाए बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोगों के मन में ऐसा होगा कि जेई टफ है, टफ है, जिसके मन में भी ऐसा है ना जेई टफ है, वो अपने मन से पहली बात तो कीड़ा निकाल दो, ये जेई सबसे आसान है, बस आपके लॉजिक के साथ खेलता है, ठीक है। जेई सबसे आसान है, बस आपके लॉजिक के साथ खेलता है वो, ठीक है। 2+2 का क्या होता है बताओ, 2+2 का वो होल स्क्वायर कितना होगा? हाँ 16 होगा। अगर आपसे मैं पूछता 2+2 का स्क्वायर, तो आप लोग फिर बोलते क्या 16? सोच के देखो, बोलते कि नहीं बोलते? 2+2 का स्क्वायर पूछता तो पक्का 16 बोलते आप लोग। हाँ मुझे पता है बेटा, मैंने कई बार पूछा है, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। -2 में से 2 गए तो हाँ -4, समझ में आया? ऐसे ही तो होते हैं लॉजिक ही लगाने, तुमको बातों को समझना है, बात ठीक है। ऐसा नहीं कि जेई टफ है, जेई काफी इजी है एज कम्पेयर टू नीट, जेई काफी इजी है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जेई में तुम्हें एक भी पॉइंट है ना याद नहीं करना पड़ेगा पूरा ऑर्गेनिक, तुमको एक भी पॉइंट अभी तक तुम्हें एक भी पॉइंट याद करने की जरूरत लग रही है तुमको? नहीं लग रही ना, सारे कंसेप्चुअल है ना, तो सारी चीजें कंसेप्चुअल होगा, एक भी पॉइंट तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग है ना सबसे इजी मुझे लगता है जेई, जेई का वो भी केमिस्ट्री सेगमेंट, केमिस्ट्री का सेगमेंट मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे केमिस्ट्री का सेगमेंट वो इजी लगता है। ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं अपना मतलब फीडबैक बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री इजी इसलिए आती है कि केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, वो उसी में घुमाएगा, वो उसी के अंदर घुमाएगा, लेकिन अदर सब्जेक्ट में इधर से उधर भी घुमा सकते हैं। मैथ्स में फिजिक्स भी कंबाइन करते हैं, फिजिक्स में मैथ्स भी कभी कभी कंबाइन अच्छे से करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कहाँ कंबाइन करेगा, इसके अंदर मैथ्स कंबाइन कर सकता है? तो मतलब वो इसी के बीच तुम्हारे जेई का क्वेश्चन घूमेगा, यूपीएससी का, अब इसी के बीच घूमेगा, तो तुम अगर ये एग्जाम्पल कर लोगे वो मोर देन सफिशियंट है, इसके अलावा तुम्हें और एग्जाम्पल नहीं करने, कॉपी के एग्जाम्पल को फोकस करो, ठीक है। कल किस किस ने रिविजन किया था कल घर जाके, इसका एक भी डाउट है नहीं है ना? एक दिन कल मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा, ठीक है, कल आराम से मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा, उसके लिए चिंता मत करो। नेक्स्ट, अब देखो CH3CH आगे बोलो क्या आएगा, आगे क्या लिखो बोलो, अब तुम लोग ही बोल दो मॉलिक्यूल एग्जाम्पल, तुम लोग भी बोल सकते हो ना अब तो एग्जाम्पल, CH2 बोलते जाओ, कुछ भी बोलो, CH NA2 CH CH3 सॉरी CH2 CH3 CH2 CH3, क्या करोगे सबसे पहले इसका, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन चेन बनाओगे, बड़ा इजी है, कैसे होगा बेटा जल्दी बताओ, CH3 CH, जहां पर CH आ जाएगा पक्का, ये डबल बॉन्ड U खींच दिया, ये U और यहां पर ये CH3, नहीं नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये हो गया, देन आफ्टर बोलो बेटा CH2 CH, CH से कौन जुड़ा हुआ है, NO2, चमक रहा है ना यहाँ पर, बताया था ना, तो वो NO2, इसके बाद CH, इसके बाद क्या होगा CH2, और इसके बाद क्या हो जाएगा CH3, नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर CH3, नाउ सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर NO2 इज अ सब्स्टिट्यूएंट है ना, अब RFPD हम कैसे लगाएंगे, वेरी गुड, RFPD हम कहाँ लगाएंगे, डबल बॉन्ड के हिसाब से, मैंने बताया था ना सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड और बात समझ में आई, RFPD सबसे पहले देखो, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आप वो बोलो, ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने क्या लिखा था बताओ, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, देन आफ्टर अप्लाई द RFPD ऑन डबल बॉन्ड, then after apply the RFPD on, then after apply the RFPD on, then after apply the RFPD on alphabetical order, तो ये बताओ substituent तो नीचे आया ना double bond के, तो carbon chain हम
कौन सा सेलेक्ट करेंगे? डबल बॉन्ड के लिए हम कैसा सेलेक्ट करते बताओ? डबल बॉन्ड के लिए हम कैसा सेलेक्ट करते कार्बन चेन? वैसा का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन ऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां पर एक ही है तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट है? अब तुम लोगों को पता पड़ गया होगा, करेक्ट है? अभी बताओ, 8 से ज्यादा कहीं बन रहा है चेन? नहीं, सुन, 5 दो बार कर दिया। चलो 5 मुझे मतलब, अरे बेटा मुझे मतलब फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं बचपन में फिर से जानना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो जल्दी से बताओ इसका नाम, जल्दी से बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? ये हो जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट पक्का, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या हो जाएगा? NO2। और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? अब बताओ नाम क्या होगा? बोलो, 7-ethyl-4-methyl-6-nitro-nonane। बात समझ में आ गई? नॉन टू इन आ गया अब नाम तुमको? अब तुमको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नोना टू इन भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी करेक्ट है, ठीक है? बात समझ में आ गया तुम लोगों को? किसी को कोई डाउट इसमें? इजी है कि टफ है? इजी है। कब? जब हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन को ध्यान से पढ़ा होता तब। अगर मैं सीधा सीधा बताता जाता तब तो तुम्हें RFPD पता ही नहीं पड़ता, ठीक है? एक दो बार और प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन और मैं देता हूँ ऐसे, ताकि आप मेरा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। नंबरिंग करना है, मतलब मुझको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो कौन सा सेलेक्ट करूंगा जल्दी बताओ? ये वाला सेलेक्ट करूंगा तो एक छूटेगा, लेकिन अगर ये वाला सेलेक्ट करूंगा तो दो छूटेंगे। तो कौन सा कार्बन चेन मुझे सेलेक्ट करना है? ये वाला। ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। देखो तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किसमें है? इस कार्बन चेन के अंदर। बात क्लियर है? अब RFPD हम पहले किस पर लगाएंगे बोलो? सब स्टार्ट से बोलो। RFPD सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पर, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर साइमल्टेनियसली, उसके बाद डबल बॉन्ड पर, उसके बाद बात क्लियर है? तो सबसे पहले RFPD लगाएंगे यहां पर, यहां से यहां जाएंगे तो डबल बॉन्ड पर चेक करो। डबल बॉन्ड कहां कहां आ रहा है? 2 and 3 पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं यहां से यहां नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड चेक करो कहां से कहां आ रहा है? 5 6 देन विच वन इज करेक्ट? तो नंबरिंग आपका कौन सा करेक्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला नंबरिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ आप बताओ जल्दी से आंसर, बोलो सब बोलो। 7 अरे इसका नाम क्या होता है बच्चों, पता है तुम्हें? कैसे निकालते हैं? फोटो निकालो इसका अलग से, फोटो निकालो। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा देख, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो क्या बोलेंगे इसको? इथिनाइल। क्या बोलेंगे? इथिनाइल। तो नाम क्या होगा? 5-ethyl-7-methyl-6-nitro अरे NO2 लिख रहा हूं 6-nitro ऑक्टा 2.3। किसको आप समझ में नहीं आया? नेमिंग समझ में आ गया? नेमिंग तीनों बॉन्ड ले लेंगे तो हाँ, ये वाला बिल्कुल सही बोल रही है। अगर हम तीनों बॉन्ड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बोला, ये तो तुमने बताया नहीं, इसमें गलत हो सकता है, समझना ध्यान से। अब सुनो, ये तो एक नाम इस तरीके से बनाया, अगर मैं तीनों डबल बॉन्ड ला सकता हूँ ना, बिल्कुल सही बोला बेटा, इसमें मैं तीनों डबल बॉन्ड ला सकता हूँ। तीनों डबल बॉन्ड लेने के बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए?
एक हो गया, तो तीनों डबल बॉन्ड प्लेयर निकाल लो। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे? बिल्कुल सही बोला इसने, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको बताया था ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, लेकिन कार्बन चेन के लेंथ से मुझे मतलब नहीं होता, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आने चाहिए, बताया था ना। अब बताओ क्या होगा नाम, जल्दी बताओ। नंबरिंग यहाँ से होगी, हाँ तो नंबरिंग यहाँ से कर दो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है ना, नंबरिंग कर दो। अरे बेटा 1 2 3 4 5 6 7, आप बताओ नाम क्या होगा, जल्दी से इसका नाम क्या होगा, बोलो बोलो। इसका फोटो बाहर निकालो, इसका दूसरे तरीके से। ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड को सेलेक्ट किया, हमारे पास चांस थे कि तीनों डबल बॉन्ड सेलेक्ट कर सकता था। अब इसका बताओ जल्दी से ना, नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपाइल। वेरी गुड, क्या आ जाएगा नाम बेटा, 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपाइल। वेरी गुड, अब समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। आप आगे की क्या हो जाएगा नाम बोलो, हेप्टा 1 1 4 5 ट्राइन। समझ में आ गया बेटा, ये क्लियर हो गया नाम। अब ये वाला नाम क्यों गलत है, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड आ रहा है, एक छूट रहा है, लेकिन इसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। इस लेवल का तो वैसे आएगा नहीं, वो मैंने लिख दिया, तो लेकिन ये ध्यान रखना। आप समझ में आ गया तुमको नेमिंग, किस किस को समझ में आ गई, पक्का श्योर, चलो करो इसको, फिर हम उसका करते हैं, किसका, क्लोरीन वाला है, हेलोजन वाला। अब तुम्हें नाइट्रो वाला समझ में आ गया, तो हेलोजन वाला भी समझ में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चलिए। स्टार्ट करो फटाफट, स्टार्ट करो फटाफट। अब देखो, अब हम हेलोजन वाला करते हैं,
अब हम करते हैं हेलोजन वाला, स्टार्ट करें, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हेलोजन वाला एक्स हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। अब हम स्टार्ट करते हैं हेलोजन ग्रुप वाला, तो कैसे करेंगे हेलोजन वाला बताओ, बताओ कैसे करेंगे, स्टार्ट करें फटाफट। तो देखो यहाँ पर समझना, अगर फ्लोरीन होगा तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। अगर क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन होगा तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है। और अगर आयोडीन होगा तो क्या लिखेंगे, आयोडो। अब इस पर आर एफ पी डी हम कैसे लगाएंगे बच्चों बताओ फटाफट, इस पर हम आर एफ पी डी कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जल्दी बताओ, सब्स्टिट्यूएंट वाला ही, ठीक है, समझ में आ गया। अगर अब देखो नाम तुम लोग बताओगे, नाम तुम लोग बता दोगे तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हाँ, चलो चलो, अब देखो इसका एग्जाम्पल दे देखते हैं। CH3, CH2, CH, CL, CH3, नाम बोलो क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करें। थोड़ा स्टॉप करने दो, क्योंकि अभी लाइट गई थी ना, प्रोजेक्टर बंद हुआ, अभी लगाए मैंने, 2 मिनट लगेगा चालू होने में। ये समझ में आ जाएगा उनको, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर ना, समझना बात को, यहाँ से यहाँ नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, सब्सटीट्यूएंट सब्सटीट्यूएंट पर क्या लगाएंगे, आर एफ पी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 पोजिशन पर, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 पोजिशन पर, विच वन इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। नाउ आंसर विल बी वॉट, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, तो क्या जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया तुम लोगों को, क्लियर हुआ कंसेप्ट पक्का। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, CH3 CH Br CH2 CH Cl CH3। आप बताओ इसमें, इसमें क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, यहां पर कितने सब्सिट्यूएंट है, 2 सब्सिट्यूएंट है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप आपका किसकी तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप है तो कैसे होगा, नाम जल्दी बोलो, 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1, देखो एक बार ट्राई करते हैं ना, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर और 4 पर, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर और 4 पर, आर एफ पी डी क्या हो गया बेटा यहाँ पर, फेल। तो आर एफ पी डी जब फेल होता है तब हम कौन सा लगाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब सब्स्टिट्यूएंट पे आर एफ पी डी फेल होगा तो कौन सा लगाएंगे ऑर्डर, अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन का क्या होता है बेटा बोलो, ब्रोमो। ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमो। और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो। तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ आप जल्दी से, हाँ आप जल्दी बताओ क्या होगा, नाम नंबरिंग करो, 1 गलत है, हाँ 1 2 3 4 5, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ये आ गया नाम कंप्लीट, खत्म हो जाएगा बेटा, आप समझ में आ गया, श्योर समझ लो, लिखो। हाँ वो दिक्कत है ना थोड़ी सी, अगला पॉइंट लिखना, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप
आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, विच इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। Identify the functional group which is present in following compounds. ठीक है, आपको आपको identify करना है क्या, functional group पर identify करना है जो कि आपके functional, आपको functional group को identify करना है जो कि आपके किसके अंदर है बेटा, compounds के अंदर। बात क्लियर है? अभी मैं compound बनाऊंगा बहुत खतरनाक खतरनाक, तब तुम्हें उसमें identify करना है, ढूंढना है। ठीक है, अभी तो लाइट चली गई है, आ गई। देखो इधर, दो मिनट, उस क्लास में समझा के आया था। देखो, लिखो, लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जल्दी बोलो, ए ए वाला चेक करो, यहां पर बताना मुझे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ठीक है, बताओगे ना पक्का, सोच लो। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? सी एच ओ, ये वाला है, समझना। अब डाइवेलेंट वाला नहीं कराया क्या तुम लोगों को मैंने? डाइवेलेंट वाला रह गया ना, हाँ हाँ डाइवेलेंट वाला रह गया है, जल्दबाजी में। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया क्या तुम लोगों ने? चलो ठीक है, तो अभी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीख लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसको देखो, यहां पर कार्बन है, डबल बॉन्ड हो है, यहां पर क्या बचेगा, एक वैलेंसी बची है, एक वैलेंसी अगर बचेगी तो उसको अपने आप क्या मान लेना है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, सी एच ओ, तो ये कौन सा ग्रुप है यहां पर, सी एच ओ, इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एल्डिहाइड। अभी तक तो तुमने पढ़ा तो समझ में आ रहा है, ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला आपका होता है कीटोन। कौन सा होता है, कीटोन कैसे बनता है बेटा, ऐसे ही बनता है ना कीटोन, ये कीटोन होता है। ये कौन सा होता है बेटा आपका, कीटोन। ये वाला क्या होगा बताओ, एल्कीन, एल्कीन भी तो फंक्शनल ग्रुप होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन एंड एल्काइन बोथ आर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ओएच क्या होता है बेटा आपका, फंक्शनल ग्रुप, ये भी हेलो, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा ये बेटा, एल्कोहल। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल। बात क्लियर है, बात क्लियर है, कि कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, पक्का सोच लो, समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगला बी, बी क्वेश्चन समझना बेटा, कि कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं। अब ये देखो, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, बताओ आप आइडेंटिफाई करना है तुम लोगों को, जल्दी से बताओ, नाम थोड़ी ना बोलना है। ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, कीटोन। बात समझ में आया, डाइवेलेंट वाले बीच में चमकेंगे, डाइवेलेंट वाले कहाँ चमकेंगे, बीच में, देखो ऐसे चमक रहे। ये कौन सा है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट, बताया था। ये क्या है, प्राइमरी हो गया, ये भी एल्कीन, फंक्शन ग्रुप समझ में आया। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला क्या होगा,
ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बात क्लियर है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा ये, पहले फंक्शन को पहचानना सीख लो क्योंकि डाइवेलेंट के बाद तुरंत हम वहां पर मूव करेंगे, ठीक है, पहले फंक्शन को पहचानना सीख लो, बात समझ में आया। नेक्स्ट अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं यहां पर, समझना मुझे बताना तुम लोग आंसर, ठीक है। और बताओ कौन सा डालूं? अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और कीड़े मकोड़े बना देते हैं, बना दे, बोलो काफी है या थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा सा, नहीं ऐसा अच्छा लगेगा, थोड़ा ही तो है ये, अभी तो स्टार्ट है बेटा, ये बोर्ड के बाहर चला जाएगा, नहीं नहीं इतना काफी है। आप जल्दी बताओ इसमें, अब आइडेंटिफाई करना है तुमको, पहला ये वाला कौन सा है बोलो, ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है ये, एल्कीन, ये कौन सा है, अल्कोहल, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आ गया, ये कौन सा है, एल्डिहाइड, ये कौन सा है, CONH, याद आया, जब CO के साथ NH जुड़ा हो तो अमाइड, ये गलती मत करना, ये गलती अक्सर कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमाइड, और ये क्या है, अल्काइन, समझ में आ गया, समझ में आया, तुमने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े, अब समझ में आ रहा है ना कौन कौन से, जो जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े वही थे इसके अंदर, ठीक है, और भी पूछूंगा अभी, करो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आया, मतलब अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना पॉलीफंक्शनल, उसमें सबसे पहला प्रोसेस ही क्या होगा आपका, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे आप लोगों के, छोटे आएंगे, इसके थ्रू करना है, ठीक है।
एग्जाम में ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब पांच छह और पढ़ते एग्जाम में ताकि तुम्हें अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर है ये सब? नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं धीरे धीरे। अब देखो अगला ए बी सी हो गया, डी वाला। अब इसमें बताना बेटा आप लोग कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं आएगा तो ऐसा थोड़े ना कि सबको एक साथ जल्दी जल्दी आ जाता है। आता है क्या सबको? नहीं आता ना, धीरे धीरे आता है बेटा, ऐसा घबराने का नहीं। बताओ इसमें, अब बताओ इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन सा है, अल्कोहल होगा कि नहीं होगा, ये कौन सा है, अल्काइन नॉट एल्कीन, ये कौन सा है, आप समझ में आ रहा है आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा है, एल्डिहाइड, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सी सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में सीधा क्या है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अमाइड ग्रुप। कौन सा बोलेंगे? समझ में आ गया बात? बात समझ में आ गया पक्का? सोच लो, पक्का समझ में आ गया? एक और एग्जांपल करें, देख लेते हैं एक और एग्जांपल। अब बताओ इसमें नाम बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी नाम बताओ इसमें। सबसे पहले ये कौन सा है, ये कौन सा है, सबसे पहले अल्कोहल, समझ में आ गया। ये कौन सा है, आइसोनाइट्राइल, कौन सा है, आइसोनाइट्राइल या फिर आइसो साइनाइड। ये वाला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एच आता है, बताओ कौन सा होगा, एस्टर नहीं होगा, हाँ याद आया, अब क्या बोलेंगे इसको, एस्टर। ये वाला क्या होगा जल्दी बोलो, एल्डिहाइड हो गया, ये वाला क्लियर हुआ किसी को? ये वाला क्या होगा, अमाइड होगा ना, सीओ किससे अटैच है, एन से, अमाइड।
घर जाके सारे एग्जांपल करना बेटा अच्छे से दो दो तीन तीन बार, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कर दिए मैंने इसको, ठीक है। ये वाला क्या होगा, सी और ये एन, इसको क्या बोलते हैं साइनाइड को, नाइट्राइल। साइनाइड को क्या बोलते हैं, नोट डाउन करो, फिर मैं और एग्जांपल लिखाता हूँ। जब तक तुम्हें पूरे अच्छे से नहीं आ जाएगा ना, तब तक लिखाता रहूँगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसको अगर आ गया तुम्हें तो आगे की चीज़ें जल्दी जल्दी समझ आ। मतलब असली फेज अब स्टार्ट हुआ है, पहले तो तुम लोग कार्बन ही बनाते थे। समझ में आ गया, अगला देखते हैं। आप अगला एक और करोगे पक्का, सोच लो, सोच लो बेटा।
करोगे एक और देख लेते हैं। सी डी ई हो गया ना, अब एफ, ठीक है एफ को समझ लेते हैं ध्यान से, काफी इजी है एफ को समझना। मैंने बनाया ये इधर इधर इधर, यू यू, ये हो गया यू, ये हो गया यू यू, ठीक है और काफी इजी है, ठीक है काफी इजी है। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, यू 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 नहीं, यहाँ पर सी एस थ्री रखो जी, तुम लोग डर जाओगे। फिर यू यू यू, फिर इसको ऐसे कर दिया और अच्छा हो गया, ऐसे कर दिया ठीक है, फिर अगेन ऐसा, फिर अगेन ऐसा ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसा। अब बताओ नेमिंग, नेमिंग नहीं सॉरी, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब कितने फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर बताओ। एक तो ये आपका, एक तो ये आपका क्या है अल्कीन, ये आपका क्या है बेटा अमाइड, ये आपका क्या है बेटा ईस्टर, ये आपका क्या है ईस्टर। समझ में आ गया, आप समझ में आ गया पक्का, आप कर लोगे किसी भी क्वेश्चन, अब घुमा के मिले तो कर लोगे, नेक्स्ट आप लोग करोगे पक्का, चलो कोई बात नहीं। देखो आई एफ जी, जी वाला देख लेते हैं बेटा, फिर अभी मैं 1 डिग्री 2 डिग्री की भी मुझे प्रैक्टिस करानी है ठीक है, उसी की अभी कर लेंगे। अब तुम्हारा हो गया ऑर्गेनिक स्टार्ट, ये मान के चलो। बताओ आप, रुको हाँ हाँ आप बताओ, रुको 2 मिनट, एक और अच्छा से कर देते हैं इसको, थोड़ा और अच्छा कर दे, बोलो इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ा और सजा देते हैं, यू यू इसको सजा दो। आप बताओ ये क्या हो जाएगा अल्कीन, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन एक साथ करा रहा हूँ इतने सारे, तो सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कराए मैंने, अब तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाना चाहिए ठीक है, फिर आगे जाके इससे भी कॉम्प्लिकेटेड मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अभी इस अभी इतना काफी है। ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, अमाइन को टाइप 2.1 में लिखाया था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बोल जल्दी से, अमाइन, सब याद ध्यान दो, OH का होगा नहीं ये फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कितना हो, ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैंने COH लिखा तो क्या वो सही है, एल्डिहाइड को CHO लिखते हैं, COH नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है बात क्लियर है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, आगे समझ, हाँ बहुत बढ़िया, ये पूरा क्या होगा अमाइड, देखो अब तुम्हें आने लग गया मुझसे अच्छे से, चलो कर लो लिखो, अब गलती होगी इसके अंदर, अब गलती होगी, चांस लग रहा है तुम्हें गलती होने का, अभी भी गलती होने का चांस लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत आसान है, देखो ना जो मैंने पढ़ाया वही सब है ना, गलती होने का चांस अभी भी लग रहा है, तो फिर एक और एग्जांपल करा दूं, घर पे इन सारे एग्जांपल को करके लेके आना ठीक है पक्का, वैसे इतने नहीं आते हैं।
समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लोगे पक्का? तो इतना तो तुम्हें आइडिया लग गया ना कैसे आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखें, एक भी फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए, एक भी फंक्शनल ग्रुप का गलती से छूटना नहीं चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है? विच इज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आप कर डालोगे इसको? इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। ये क्वेश्चन तुमको क्लास टेंथ में भी मिला था आइडेंटिफाई करने वाला। क्लास टेंथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था कि नहीं था? चैप्टर एल्डिहाइड भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, कीटोन भी था और अल्कोहल था। चार ग्रुप थे ना, क्लोरो ब्रोमो तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। जल्दी लिखो बेटा,
देखो यहाँ पर अब बात को समझना ध्यान से कि अगला करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द कैलकुलेट मत लिखो, फाइंड द 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल, फाइंड द 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फाइंड द 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब टर्शरी। फाइंड द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फाइंड द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फाइंड द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब देख लेते हैं यहां पर तुम लोग अभी नोट डाउन नहीं करोगे ठीक है ना। ये तुमको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हम कैसे निकालते हैं, समझना बात में, बात को ध्यान से समझना। अगर एक कार्बन ठीक है, अगर अगर ओएच ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है बोलो, इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री। फिर से मेरे साथ बोलो, सब बोलो, ओएच ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से क्वेश्चन पूछो, बोलो कौन से कार्बन से अटैच है, खुद से क्वेश्चन पूछो, OH ग्रुप इससे, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, क्वेश्चन पूछो खुद से, एक से, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आया कैसे निकाले, खुद से ही क्वेश्चन पूछा करो, अपने आप जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, तो ये कौन सा होगा 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझना बेटा यहां पर ध्यान से, अब फिर स्टार्ट करें, ये वाला OH कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, अब समझ में आ गया, ये वाला OH कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो, कौन सा होगा, या तो तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये वाला OH कौन से कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन कितने का कार्बन से अटैच है, एक, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला OH कौन से कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन कितने का कार्बन से अटैच है, समझ में आया, समझ में आया, पक्का पक्का, और प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, काफी है, हाँ आपका काफी है, लिखो, अब समझ में आ गया तुमको। और 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को आप क्या बोलते हो बेटा, प्राइमरी
आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिखा ना बच्चा? पक्का पक्का लिख लिया? हाँ। कौन सा निकाल रहा है तू स्ट्रक्चर? ये वाला ना? ये वाला तो देख लेते ना, अगला आगे। देखो यहाँ पर अब अगला आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा है था मैंने, फाइंड द 1 degree 2 degree 3 degree अल्कोहल इन फॉलोइंग कंपाउंड। अगला लिखो, फाइंड द 1 degree 2 degree 3 degree हैलोजन, फाइंड द 1 degree 2 degree 3 degree हैलाइड। हैलाइड लिखना, हैलोजन की जगह हैलाइड लिखना। फाइंड द 1 degree 2 degree 3 degree हैलाइड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। Find the 1 degree 2 degree 3 degree halide in following structure. Find the 1 degree 2 degree 3 degree halide in following structure. ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है? देखो सिमिलरली बताता हूं मैं। देखो पहला एग्जाम्पल इसका, देखो क्या बोलना है, अल्कोहल की तरह बोलो। ठीक है, किसकी तरह बोलो? अल्कोहल की तरह। अब बताओ ये वाला हैलोजन कौन से कार्बन से अटैच है? इससे अटैच है। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 degree chloride। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? पक्का श्योर? अगला बताओ ये वाला हैलोजन कौन से कार्बन से अटैच है? दिस वन। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक। और ये दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला बताओ, ये वाला कार्बन, ये वाला क्लोराइड कितने के कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। पक्का। और यहां पर कितने कार्बन से अटैच है? दो से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने आप आपका? 2 degree chloride। ये वाला बताओ, ये वाला क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है? इससे। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तीन से। तो क्या हो जाएगा? कभी पूछोगे आप मुझसे ये सब चीज नहीं? ये वाला बताओ, ये वाला कार्बन, ये वाला क्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच है? इससे। और ये कितने कार्बन से अटैच है? तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? तुमने आ गया? ये इससे पहले वाला आया, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने वाला। अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी, चिंता मत करो। एंड ऑफ द लेक्चर जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुम्हें आदत पड़ जाएगी इन सब का, चिंता न करो। अगला देखो, अगला क्या होगा? अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, अच्छा अच्छा इसको लिखो, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। आप देखो इधर, संस्कृति पूर्वा निहा नेहा और अमृत। अमृत कौन है? जा भेजना है। अच्छा अच्छा जा जा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, आराम से जाओ जाओ जल्दी जल्दी। आप बताओ जल्दी से ये वाला बताओ,
फाइंड द नंबर ऑफ, चलिए बताओ फाइंड द नंबर ऑफ, क्या बोलूंगा कोई क्वेश्चन बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये बताओ ये कौन सा होगा, चलिए बताओ ये वाला हैलाइड है, लेकिन ये वाला हेलोजन कौन से कार्बन से अटैच है, किस कार्बन से, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक इससे क्या क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड मतलब क्लोराइड, हैलाइड का मतलब लिखी देता हूँ, तुम लोगों का भरोसा नहीं है, ये वाला बोलो, ये वाला क्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच है, और ये वाला कितने का कार्बन से अटैच है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये वाला बोलो अल्कोहल की कौन सा होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, आप खुद बोलो 3 डिग्री पक्का, क्यों, ये वाला अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, समझ में आया, ये वाला बताओ 2 डिग्री होगा पक्का, श्योर, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, समझ में आ गया तुम लोगों को, ये वाला बोलो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये वाला बताओ, ये वाला क्लोराइड ये बॉन्ड है, चिंता मत करो, ये वाला क्लोराइड ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री क्लोराइड, समझ में आ गया, हाँ तो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, थोड़ा समझना, ये वाला बॉन्ड एक साथ है, ठीक है, मिक्सअप हो गया थोड़ा सा, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट लग गया, अब देखो ये वाला OH कौन से कार्बन से अटैच है और ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 डिग्री क्लोराइड, ये वाला 2 डिग्री क्लोराइड, ये वाला, अरे बुद्धू ये क्या क्लोराइड है, ये ग्रुप ही नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है, असाइल ग्रुप, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं निकलता, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, गलती कहां करोगे, अगला ये वाला बताओ 2 डिग्री ये वाला बताओ 2 डिग्री ये वाला बताओ, समझ में आ गया तुम लोगों को, अब अच्छे से, अब कहीं मिस्टेक होगी इसमें, अब कल से हम डाइवेलेंट का नॉमेनक्लेचर पढ़ के फिर हम एक और बार फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, देन आफ्टर हम आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे, ठीक है, डन, चलो।